आर्मी चीफ से कमांडर रॉयल बहरीन नेवी के एडमिरल की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान में अमन और मुफाहमत के इकदाम की अहमियत पर जोर, कहा अफगानिस्तान के लिए आलमी बरादरी की मुखलिसाना कोशिशों की जरूरत है। बहरीन कमांडर का मुसल्ला फौज की पेशावराना महारत का एतराफ, मुख्तलिफ शोबों में तआवुन बढ़ाने का अज़्म। केपी बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त, पीटीआई को मौरूसी सियासत ले डूबी। विफाकी और सूबाई वुज़रा ने मंजूर नजर अफराद को टिकट दिलवाए। वजीर आला महमूद खान ने रिपोर्ट वजीर आजम इमरान खान को पेश कर दी, हुकूमत का तहकीकात का ऐलान। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाने वाले अरकान असेंबली के खिलाफ कार्रवाई का फैसला, शोकॉज नोटिस जारी किए जाएंगे। दूसरे मरहले के इंतखाबात के लिए हिकमत अमली बनाने की हिदायत। केपी इलेक्शन महंगाई की वजह से हारे, दुनिया में जहां भी इलेक्शन हो रहे हैं वहां महंगाई शिकस्त की वजह है, असद उमर ने वजाहत कर दी। बोले मुआशी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, शिकस्त में टिकट्स की तकसीम और दीगर अवामिल भी शामिल हैं, मुशावरत जारी है और जल्द फैसले होंगे। शेख रशीद ने कहा, हारता वही है जो हार को तस्लीम करता है। उन्होंने थोड़ा सा हाथ पीछे किया तो खैबर पख्तूनख्वा का नतीजा देख लिया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, पूरे मुल्क में अब यही नतायज होंगे। पिशावर में एमएनए, एमपीएस और ब्यूरोक्रेसी उनकी थी। नवाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान को जीत पर मुबारकबाद, जेयूआई के सरबरा ने शुक्रिया अदा किया। बल्दियाती इलेक्शन बकखेल में पोलिंग स्टेशन पर हमला, इलेक्शन कमीशन ने सूबाई वजीर शाह मोहम्मद के भाई और बेटे को नोटिस जारी कर दिया। मुकदमात के खिलाफ बनू ईरान शाह शाहरा पर एहतजाज, लकी मरवत में बल्दियाती नतीजा तब्दील, दोबारा गिनती में बेटनी के तहसील चेयरमैन जेयूआई फेके मौलाना अनवर बादशाह होंगे। इनसे मुल्क नहीं चल रहा, हम चलाकर दिखाएंगे, पीपी ने हमेशा डिलीवर किया, उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही। आसिफ जरदारी कहते हैं, कभी झूठे वादे नहीं किए, पहले काम किया फिर बात की, सिंध में मास्टर प्लान बनाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने विफाकी वुजरा आजम स्वाति और फवाद चौधरी की मुआफी को कबूल कर लिया, आइंदा मोहतात रहने की हिदायत। आजम स्वाति कहते हैं, ईवीएम के जरिए वोट के तकद्दुस की हिफाजत की जाएगी, ईवीएम पर इलेक्शन कमीशन अच्छे फैसले करने वाला है। कराची में बारिश और सर्दी की शदीद लहर की पेशगोई, महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी सिस्टम 25 दिसंबर को बलोचिस्तान से मुल्क में दाखिल हो सकता है। कराची में 26 और 27 दिसंबर को हल्की बारिश का इम्कान, 28 दिसंबर से 5 जनवरी तक सर्दी की लहर की लपेट में रहेगा, दर्जा हरारत 9 से 10 डिग्री तक रह सकता है। आईसीसी टी20 और वनडे रैंकिंग में बाबर आजम का राज, दोनों फॉर्मेट्स में नंबर वन बल्लेबाज। मोहम्मद रिजवान मुख्तसी फॉर्मेट के तीसरे बेहतरीन बैट्समैन, शादाब खान का इब्तदाई 10 बॉलर्स में नवा नंबर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।